वेलकम बैक गाइस, स्वागत है आपका BGMI के एक और न्यू तबाहदार वीडियो के। तो आज की सॉरी वीडियो के अंदर मैं बात करने वाला हूँ जॉयस्टिक की प्रॉब्लम्स के बारे में। तो यार काफी सारे लोगों को जॉयस्टिक से रिलेटेड काफी सारी प्रॉब्लम्स देखने को मिलती हैं, जैसे कि उनका जो जॉयस्टिक होता है उन्हें पता ही नहीं कि कौन सी जॉयस्टिक की सही जगह है जहाँ पर जॉयस्टिक को रखना चाहिए, या तो उन्हें यही नहीं पता है कि जॉयस्टिक छोटा रखें या बड़ा रखें। इसी टाइप की काफी सारी प्रॉब्लम्स आती हैं आपको जॉयस्टिक से रिलेटेड। तो यार टेंशन बिल्कुल मत लो, क्योंकि यो निंजा थारा भाई निंजा बैठा है ना आपको ये सारी की सारी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। तो आज की इस वाली वीडियो के अंदर मैं बात करने वाला हूँ जॉयस्टिक के बारे में, जिसके बाद आपकी जो जॉयस्टिक की प्रॉब्लम है वो हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी, और उसके बाद आपको किसी भी यूट्यूब पर किसी की वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी जॉयस्टिक से रिलेटेड, क्योंकि आज आपको पूरा का पूरा ज्ञान आ जाएगा कि जॉयस्टिक रखना है तो रखना कैसे है, और काफी सारा ज्ञान आने वाला है। तो भाई वीडियो के लास्ट तक बने रहिए और मजा काफी आने वाला है, तो लेट्स गो मेरी जान। पॉइंट नंबर वन, अभी ये वाली जो प्रॉब्लम है ना ये काफी सारे लोगों को आती है, पहले मेरे को भी आती थी, क्योंकि यार इसमें पता ही नहीं चलता है कि जॉयस्टिक को रखे तो रखे कहाँ और जॉयस्टिक की कौन सी सही जगह होती है ये पता ही नहीं चलता है। तो आपको करना क्या है मैं आपको बताता हूँ, एकदम सिंपल सा यार इसका सोल्यूशन है, मैं आपको बताता हूँ। जब भी आप लोग गेम खेलते होगे उससे पहले आप लोग क्या करते होगे, फोन में हेडफोन या ईयरफोन जो भी है आपके वो लगाते होगे, अगर आपके पास स्लीव्स हैं तो आप लोग स्लीव्स लगाते होगे, उसके बाद आप लोग अपना फोन पकड़ते होगे एकदम उसी पोजिशन जैसे आपके कंट्रोल्स होंगे उसी हिसाब से अपना फोन पकड़ते होगे। तो आपको क्या करना है उसी टाइम पे आपको जाना है अपने कंट्रोल सेटिंग्स के अंदर, और आपके कंट्रोल पे जाने के बाद आपको अपना उसी पोजीशन में अपने जो उंगलियां हैं जो अपना हाथ जैसे भी आप लोग फोन पकड़ते हो उसी तरीके से आपको पकड़ना है फोन को, और उसके बाद क्या करना है आंख बंद करना है, और उसके बाद जो आपका जॉयस्टिक वाला अंगूठा है ना उसको आपको रख देना है, और रखने के बाद आपको अपनी आंख के खोलनी है, और उसके बाद आपको देखना है कि आपका जो जॉयस्टिक है वो किधर है, ऊपर है नीचे है। उसके बाद आपको करना क्या है उस जॉयस्टिक को उठा के वहां पे रखना है जहां पे आप लोगों ने अभी अपना अंगूठा रखा था, उसी जगह पे आपको जॉयस्टिक को रख देना है, और उसके बाद आप लोग गेम खेल के देखना भाई आपका जो जॉयस्टिक एकदम परफेक्ट हो जाएगा। मेरे साथ कभी भी जॉयस्टिक वाला प्रॉब्लम होता है ना तो मैं हमेशा इस ट्रिक को यूज करता हूं, और भाई जो मेरा जॉयस्टिक है ना वो एकदम सेंटर पे आ जाता है जहां पे मेरे को जॉयस्टिक चाहिए होता है। तो आप लोग भी एक बार ट्राई करके देखना। पॉइंट नंबर टू, तो आपके जॉयस्टिक के ऊपर ये स्प्रिंट वाला ऑप्शन तो होगा ही, तो अगर आपका ये बहुत ज्यादा नीचे है तो आप लोग ना इसे थोड़ा सा ऊपर कर लें, अगर आपका पहले से ऊपर है तो ठीक ठाक है, अगर आपका नीचे था ना तो उसे थोड़ा सा ऊपर कर लेना, क्योंकि क्या होता है ना कि आप लोग कभी भी क्लोज रेंज के अंदर मूवमेंट वगैरह दे रहे होते हो तो वहां पे क्या होता है ना ये बार बार स्प्रिंट लॉक हो जाता है, तो इसे आप लोग थोड़ा ऊपर कर दोगे तो आपके जो मूवमेंट है ना थोड़ा सा फास्ट हो जाएंगे, मतलब बार बार स्प्रिंट लॉक नहीं होगा, तो आप लोग इसे ना थोड़ा सा ऊपर कर लेना थोड़ा ज्यादा बेटर रहेगा। पॉइंट नंबर थ्री, आप लोगों में से काफी सारे लोगों का एक कंफ्यूजन रहता है हमेशा कि जॉयस्टिक छोटा रखें या बड़ा, बड़े में मूवमेंट फास्ट होते हैं या छोटे जॉयस्टिक मूवमेंट फास्ट होते हैं, तो मैं आपको भी यहाँ पर दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे देखो मेरा जॉयस्टिक एकदम छोटा है, और यहाँ पे मैं जिगल दे रहा हूँ आप लोग देखो, यहाँ पे मेरे जो मूवमेंट है वो काफी ज्यादा फास्ट है, और आप लोग देख सकते हो काफी ज्यादा अच्छे मूवमेंट है मेरे यहाँ पे, और जो जिगल है काफी अच्छे तरीके से मैं कर पा रहा हूँ। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम सेटिंग्स के अंदर जाएंगे और कंट्रोल्स के अंदर आएंगे, और यहाँ पे हम लोग करेंगे जॉयस्टिक को छोटे से एकदम बड़ा, ठीक है। अब मैं यहाँ पे जॉयस्टिक को एकदम बड़ा कर दिया हूँ, 250 पे कर दिया हूँ जॉयस्टिक को, उससे पहले मेरा 50 था और मैंने अब कर दिया 250 पे। अब यहाँ पे देखो मैं यहाँ पे जिगल दे रहा हूँ, तो यहाँ पे जिगल पहले दे रहा था सेम उसी तरह ही जिगल हो रहा है, मतलब कोई भी यहाँ पे फर्क नहीं पड़ा है मेरे मूवमेंट में और ना ही जिगल में। इसका एक ही मतलब है कि आप लोग चाहे जॉयस्टिक को छोटा कर दें या बड़ा कर दें उसके जो मूवमेंट है ना वो बराबर रहेंगे, मतलब ना ही फास्ट होंगे ना ही स्लो होंगे, आपके जो मूवमेंट है वो पहले जैसे रहेंगे। बट इससे क्या होता है ना जॉयस्टिक बड़ा और छोटे करने से ये आपके थंब के ऊपर रखिए, अगर आपका थंब बड़ा है तो आप लोग अपने थंब के हिसाब से जॉयस्टिक को सेट कर सकते हो, ना कि इससे मूवमेंट फास्ट या स्लो का कोई लेना देना नहीं है। तो आप लोग ये जो कंफ्यूजन है ना आपके दिमाग में से उसे निकाल दो। पॉइंट नंबर फोर, तो अगर आप लोग किसी बंदे के ऊपर रस कर रहे हो और आप लोग इस टाइप से भागते हुए जा रहे हो उस बंदे ऊपर रस करने के लिए, उसी के बाद अचानक से आपका करैक्टर कुछ इस प्रकार से भागने लगता है, मतलब तिरछा तिरछा भागता है आपका करैक्टर, ऐसा क्यों होता है मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले आप लोग जॉयस्टिक को समझो, जॉयस्टिक आप लोग अगर ध्यान से देखोगे ना तो इसके अंदर आपको चार डॉट देखने को मिलेंगे बाइट वाले, तो आप लोग इसे देखोगे ना तो एक होगा दाएं का, एक होगा बाएं का, और एक होगा आगे का, एक होगा पीछे का, तो यहाँ पे पूरे के पूरे आपको चार डॉट देखने को मिलते हैं। तो कभी भी ना आप लोग इस वाली पोजिशन में भाग रहे हो ना तो उस टाइम पे आपको करना क्या है, ऊपर वाला और दाएं वाला और बाएं वाला आपको भागना है इन पॉइंट पे, इन पॉइंट के बीचों से भागना है, मतलब हमेशा आपको जॉयस्टिक को इन पॉइंट के बीच में रखना है, तभी आपको जो करैक्टर ना बिल्कुल भी तिरछा नहीं भागेगा और आप लोग यहाँ पे जॉयस्टिक के बादशाह बन सकते हो मेरी जान। पॉइंट नंबर फाइव,
लास्ट पॉइंट मेरा यही है कि अगर आप लोग कभी भी गेम खेलते हो उस टाइम पे ना आप लोग थोड़ा सा पाउडर का यूज़ किया करो, जॉयस्टिक वाली जगह पे ज़्यादा यूज़ किया करो, क्योंकि आपका जो हाथ से जॉयस्टिक छूट जाता है ना वो आपसे बिल्कुल भी नहीं छूटेगा। तो आप लोग थोड़ा सा पाउडर का यूज़ किया करो, और अगर आपका स्लिप्स हैं फिर भी आप लोग यूज़ किया करो, क्योंकि आप गर्मी आ रही है तो फ़ोन थोड़ा ज़्यादा हीट होने वाला है। तो आप लोग पाउडर का यूज़ करोगे तो आप लोग ईजी खेल पाओगे सही तरीके से, और जो आपका जॉयस्टिक है वो बिल्कुल भी आपके हाथ से नहीं छूटेगा। तो थैंक यू सो मच हमारी प्यारी सी वीडियो के अंदर आने के लिए। तो अगर आपको ये वाली वीडियो पसंद आई है तो जल्दी से वीडियो को लाइक मारो, और अगर आप लोग इस चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करो, साथ में नोटिफिकेशन को भी ऑल पे कर देना। तो आज की वीडियो के अंदर इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय एंड लव यू ऑल गाइस।